सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हम हाइड्रा की बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा में कैसी होती है। अच्छा, जब हाइड्रा की बात हो तो इट इज 2 to 3 millimeter इन लेंथ, ये तकरीबन 2 से 3 millimeter लेंथ का होता है, एंड इट इज अबाउट हाफ mm इन डायमीटर, आधा मिलीमीटर डायमीटर का होता है, तो 2 से 3 millimeter इसकी लेंथ होती है। सो इट इज लार्ज इनफ टू बी सीन, ये बड़ा होता है देखने में। इट इज नो स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसलिए इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशलाइज नहीं होता। अच्छा, इसको हम जो पढ़ते हैं हाइड्रा का इंट्रोडक्शन, तो हम कहेंगे इट इज ए सिंपल है, इट इज सिंपल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, 2 germ layer का बना हुआ एनिमल है। उसके बाद विच कंसिस्ट ऑन 2 layers लाइक एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टो और एंडोडर्म मौजूद होता है। ऑक्सीजन इंटर्स इनसाइड द बॉडी थ्रू बॉडी सरफेस, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन सिंपल प्रोसेस एंटर होती है बॉडी सरफेस से, डिफ्यून के जरिए एंटर होती है, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आती भी डिफ्यून के जरिए है, पूरी बॉडी में डिफ्यून के जरिए जाती है, तो सिंपल प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन होती है। क्यों? क्योंकि नो स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, जब बात करते हैं फूड की, तो फूड इज डाइजेस्टेड इन द बॉडी कैविटी, आपने पढ़ा था हाइड्रा के अंदर GVC होती है, आगे मैं दिखाऊंगा अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा भी है, जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, GVC कहते हैं, क्योंकि वही उसकी डाइजेस्टिव कैविटी होती है और वही उसकी सर्क्यूलेटिंग कैविटी होती है, ट्रांसपोर्टिंग कैविटी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कैविटी होती है। अच्छा, इसको हम कहेंगे कुछ परफॉर्म डबल फंक्शन, ये दो काम करती है, अगर GVC है तो डाइजेशन, अगर डिस्ट्रीब्यूट करे तो सर्क्यूलेशन ऑफ फूड, तो सर्क्यूलेशन ऑफ फूड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और फूड को डाइजेशन करना एक ही का काम होता है, जिसको बॉडी कैविटी या GVC कहते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आर GVC, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, गैसेज हो, नाइट्रोजीनस वेस्टेस हो, डाइजेस्टेड फूड हो, ये सब कुछ इस हाइड्रा के अंदर सिंपल मेथड डिफ्यून के जरिए होता है। क्यों? क्योंकि नो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टरी सिस्टम प्रेजेंट इन हाइड्रा। देख लो बाबा, मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन हाइड्रा के अंदर कैसे होता है, हम कहेंगे सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट हैव इन्वॉल्व्ड इन एनिमल, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तरीके नहीं मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर इन नेडेरियंस एंड फ्लेटवर्म, यानी प्लेनेरिया और नेडेरियन, नेडेरियन में हाइड्रा को पढ़ लो, जेलीफिश को पढ़ लो, द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फंक्शन इन बोथ डाइजेशन एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें डाइजेशन तो नहीं पढ़नी, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी, करती कौन है? GVC। GVC किसके पास होती है? फ्लेटवर्म और नेडेरियन के पास। तो यही एक कैविटी होती है जो डबल फंक्शन परफॉर्म करती है, मगर ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूजन से, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन GVC करती है। यह एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है माउथ की, और ये इसका, इसको हम कहेंगे कि पूरा का पूरा ये इसका सर्कुलर कैनाल होता है, जिसके जरिए फूड और नाइट्रोजनस वेस्टेस बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। देखो बाबा, आपको मैंने कहा था कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में, व्हेन योर बॉडी इज ओनली 2 cells थिक, यू कैन गेट सप्लाईज इन एंड वेस्ट आउट जस्ट थ्रू द डिफ्यूजन। यानी मेरे कहने का मकसद है कि अगर हमारी बॉडी 2 cell layer की बनी हुई हो, तो उस वक्त जो चीज़ों की मटेरियल की जो फ्लो होता है वो सिंपल प्रोसेस होगा डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम पड़ जाता है, डिस्टेंस की कमी की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत अच्छा होता है। ये जेलीफिश है, ये हाइड्रा है,
ये फुट है, ये इसकी जीवीसी है, ये एक्टोडर्म है, ये इसका एंडोडर्म है और ये इसकी जीवीसी है। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड बॉडी से सिंपल प्रोसेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर मौजूद होता है। यानी मैं यूं कहूं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा जिस्म हो जिसके अंदर सिर्फ दो लेयर हों, उन दो लेयर को जब आप देखोगे और उनके अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन देखोगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिंपल प्रोसेस से करेंगे जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इट मीन्स हाइड्रा के अंदर डिफ्यूजन जो होती है वो सिंपल हाइड्रा के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन के जरिए होती है। इसलिए बाबा दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन विद इन हाइड्रा विदाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थैंक्स डियर स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो बगैर किसी प्रॉब्लम के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज करके या मैसेज करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।